तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में सराय अखिल पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को किशनपुर अंबारी गांव के बच्चीलाल के घर पर अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित होने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के मौके की तलाश में जुट गई। पुलिस को मुखबिर ने बताया कि कुछ लोग तमंचा की खरीदारी करने आ रहे हैं। पुलिस ने दबिश देकर मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित तमंचे व पिस्टल भी बरामद किए। इसके अलावा भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया। तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से गृहस्वामी बच्चीलाल सहित 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आरोपियों के खिलाफ कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। इन असलहों को 15,000 से 20,000 में बेचा जा रहा था। आरोपी असलहों की सप्लाई जनपद के अलावा गैर जनपद में भी करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि थाना सराय अखिल में इलाके में अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। इस दौरान तमंचे के अलावा पिस्टल भी बरामद किया गया और तमंचा बनाने के उपकरण भी मिले हैं। पुलिस ने लिखा पढ़ी कर आरोपियों जेल भेज दिया है। सर, एक कट्टा फैक्ट्री लग रही है, ये क्या बरामद किया गया, किस प्रकार ये निर्मित करते थे? थाना सराय के क्षेत्र में एक अवैध असलहों की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 6 मंजिलों पर गिरफ्तार हुए हैं। ये लोहे और हथौड़ी और अपने देसी तरीकों से तमंचे और पिस्टल बनाते थे, जो इनके पास से बरामद हुई है। बरामद करने के बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए हैं जो आप लोगों के सामने हैं। इनका मॉडल तो ट्रेंड ये रहता है कि बनाते हैं बेचते हैं, तो ये 18,000 मिलेगा तो 20,000 बेचेगा, 20,000 वाला 25,000 बेचेगा। ये जनपद कौशाम्बी और आसपास के जनपदों में भी बिक्री करते हैं। सर, जो पिस्टल बरामद हुई ये स्वयं बनाते थे कहीं बाहर से ला के बेचते थे? इनका कहना है कि हमने स्वयं बनाया,